गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हम क्या पढ़ रहे थे, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। पहला हमने देखा था इनडाइजेशन, हमारे डाइजेशन में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी पीएच की वैल्यू लगभग 1.4 के आसपास होती है। कई बार 1.5 भी देखने को मिलता है, कई बार 1.3 भी देखने को मिलता है, बट इन जनरल अगर हम बात करें मैक्सिमम केस की, तो हमें कितनी मिलती है, 1.4। इससे क्या होता है, हाँ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता रहता है। लेकिन कई बार जब हम ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा लेते हैं, तो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ एसिड होती है वो बढ़ जाती है। वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें इनडाइजेशन हो जाता है, यानी कि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में पेन और इरिटेशन होने लगती है। हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कुछ एंटासिड्स यूज करते हैं। एंटासिड्स का मतलब, हाँ, एंटी एसिड, जो एसिड्स के खिलाफ काम करे। कौन है वो, बेस। वो भी हम स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेंगे, हम कौन से बेस लेते हैं, वीक बेस, जिसको हम बोलते हैं मिल्ड बेस। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो मिल्ड है, उसका रियल लाइफ में मतलब क्या होता है, वीक। इसके दो एग्जांपल्स आपको दिए गए थे, पहला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम और क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा क्या था हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा। हम जब इनको खाते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद तुरंत उस एसिडिक, जो कि ज़्यादा अमाउंट में हो गया था, उससे रिएक्शन करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, और थोड़ी देर के बाद जिस व्यक्ति को इनडाइजेशन हुआ था, वो धीरे धीरे उसको रिलीफ मिल जाता है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सेकेंड, पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। अब जैसे पीएच की वैल्यू बदलती है, टूथ डीके यानी कि जो कैविटी है वो भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। जैसे जैसे पीएच की वैल्यू कम होती है, यानी कि क्या हो रहा है, एसिडिक इफेक्ट बढ़ रहा है। हाँ, जब पीएच की वैल्यू घटती है तो एसिडिक इफेक्ट बढ़ता है। जैसे जैसे एसिडिक इफेक्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे टूथ डीके क्या होती है, फास्ट होने लगती है। क्या होता है, कैसा होता है, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, व्हेन वी ईट फूड, जब भी हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो उसमें क्या हो, शुगर हो, कंटेनिंग शुगर, देन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, दे ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड्स। फिर वो क्या करते हैं, जो शुगर हमारे खाने के अंदर रहता है, उस शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं, और वो क्या करते हैं, एक नया एसिड बनाते हैं, जो कि क्या होती है, लैक्टिक एसिड। कौन सी एसिड होती है, लैक्टिक एसिड। दिस एसिड इज फॉर्म्ड इन द माउथ आफ्टर शुगरी फूड हैज बीन ईटन। इसीलिए जब भी हम कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं, तो उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे होते हैं, फिर वो बैक्टीरिया उसको क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। दिस एसिड लोअर्स द पीएच इन द माउथ, और इसकी वजह से हमारे जो माउथ की पीएच वैल्यू होती है, वो क्या होती है, धीरे धीरे घटने लगती है, क्योंकि एसिडिक अमाउंट बढ़ रहा होता है। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5, और जैसे ही ये वैल्यू पीएच की 5.5 या 5.5 से कम होने लगती है, यानी कि एसिडिक इफेक्ट बढ़ने लगता है, अब हमारा जो टूथ है वो धीरे धीरे डीके करने लगता है, वो सड़ने लगता है। दिस इज बिकॉज देन द एसिड बिकम्स स्ट्रॉन्ग एनफ, क्योंकि जैसे जैसे पीएच की वैल्यू घट रही होती है, एसिडिक इफेक्ट बढ़ रहा होता है, यानी कि एसिड का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है, टू अटैक द इनेमल ऑफ आवर टीथ एंड कोरोड इट। फिर उसके बाद वो क्या करता है, हमारा जो इनेमल होता है, टूथ का हार्डेस्ट पार्ट इनेमल, वो उसको क्या करने लगेगा, धीरे धीरे कोरोड करेगा, यानी कि डिस्ट्रॉय करने लगेगा, हमारी दांत सड़ने लगती है। दिस सेट्स इन टूथ डीके, और इस तरह से टूथ डीके क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। द टूथ इनेमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये बात और है कि जो टूथ इनेमल है वो किनसे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, जो कि हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन होता है, इनेमल। ये तो जूनियर सेक्शन के साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, ठीक है। बट इट स्टार्ट्स गेटिंग कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज लोअर देन 5.5। लेकिन अगर पीएच की वैल्यू 5.5 से कम हो गई, तो ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, वीक होने लगेगा, कोरोड होने लगेगा, और एक टाइम के बाद टूट जाता है। तो क्या करें फिर, अच्छा ये इफेक्ट क्यों आया, एसिडिक की वजह से।
हाँ अच्छा, हमारे मम्मी पापा क्या कहते हैं, ब्रश करो ब्रश करो। एक्चुअली जब आप टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उस टूथपेस्ट के अंदर बेस होते हैं, वो बेस जाने के बाद आपके जो एसिडिक इफेक्ट आपके माउथ में इंक्रीज हो गई होती है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और फिर से आपकी पीएच की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगती है और टूथ डिके क्या होता है, बंद हो जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन द माउथ थोरोली आफ्टर ईटिंग फूड। पहला काम तो आप ये करिए, जब भी आप कुछ मीठा खाइए तो उसको खाने के बाद आप पहले अपने माउथ को अच्छे से धुल लीजिए। ऐसा करने का क्या मतलब हुआ कि जो आपके अंदर शुगर के पार्ट्स या जो मीठे स्वीट फूड्स थे आपके माउथ में कहीं फंसे रहे होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। अगर वो बाहर निकल गए तो बैक्टीरिया उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके माउथ में शुगर यानी कि स्वीट फूड होंगे उतने ज़्यादा बैक्टीरिया उसको लैक्टिक एसिड बनाएंगे, और जितना ज़्यादा एसिड का अमाउंट बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा पीएच की वैल्यू घटती जाएगी और टूथ डिके फिर बढ़ने लगेगा। दूसरा, मेनी टूथपेस्ट कंटेन बेसिस टू न्यूट्रलाइज द माउथ एसिड। हाँ, मैक्सिमम जो टूथपेस्ट है सब में बेस होता है जो कि हमारे माउथ के अंदर जो एसिड होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। द पीएच ऑफ टूथपेस्ट इज बीइंग अबाउट 8, और अगर हम टूथपेस्ट की पीएच की बात करें तो लगभग कितनी होती है, 8 होती है। 8 का मतलब हाँ वो बेस हो गए और हमारे माउथ में कैसा हो गया, एसिडिक इफेक्ट करेंगे, लैक्टिक एसिड वीक एसिड है तो एसिड है तो ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो यूजिंग द टूथपेस्ट विच आर बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द माउथ एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो इस तरह से जब हम एसिड का यूज करते हैं, सॉरी टूथपेस्ट का यूज करते हैं लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, फिर क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाता है, पीएच की वैल्यू बढ़ने लगती है और 5.5 के ऊपर चली जाती है और टूथ डिके क्या होता है, रुक जाता है। अ पर्सन कैन लेसन द चांसेस ऑफ सफरिंग फ्रॉम टूथ डिके। कोई भी इंसान है वो चाहे तो टूथ डिके के चांसेस को कम कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, बाई चेंजिंग हिज ईटिंग हैबिट सच एज ईटिंग लेस ऑफ सुगरी फूड्स। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसको अपनी जो खाना खाने की आदतें हैं यानी कि जो उसे पसंद है ना पसंद है उन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चों को क्या पसंद होता है, मीठे ऑब्जेक्ट, मीठे फूड यानी कि चॉकलेट्स। अब क्या करेंगे, अगर वो ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे तो वो क्या होगा, बैक्टीरिया ज़्यादा अटैक करेंगे, एसिड्स ज़्यादा बनेंगे तो टूथ डिके भी जल्दी होगा। सो एज ईटिंग लेस ऑफ सुगरी फूड्स, तो हमें क्या करना होगा, फिर ऐसी चीज़ें जो कि मीठा होती है उनको कम से कम खाएं, जैसे कि स्वीट्स हो गया, टॉफ़ी हो गया, आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट्स हो गए और कैंडी हो गए। क्लियर है? चलिए अब हम आपको बता दें आपको नोट क्या करना है इसमें। हेडिंग तो आपने डाल ही दिया होगा, देखिए आप इसको यहाँ तक नोट कर लेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे द बेस्ट वे टू प्रिवेंट यहाँ तक, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे नोटबुक में तो हमारा ये सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। ओके, सो आवर थर्ड टॉपिक इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, क्या दिया ये, सेंसिटिव टू द पीएच चेंजेस। चाहे वो प्लांट्स हो, वो एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, उनके ऊपर भी पीएच के चेंज होने से इफेक्ट पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे, ये तो बड़ा सा टॉपिक है, कोई नहीं ट्राई करते हैं कि फिनिश हो जाए। इसके दो पार्ट्स होंगे, पहला सॉयल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। तो चलिए हम पहले डिस्कस करेंगे सॉयल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ड व्हेन द पीएच ऑफ द सॉयल इज क्लोज टू 7, ठीक है, आप यहाँ तक उसको नोट कर लेंगे। ऐसे जो प्लांट्स हैं जो कि ऐसे सॉयल में इनको ग्रो कराया जाता है जिसकी पीएच की वैल्यू लगभग 7 के आसपास हो, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रो करती हैं। हर बार ऐसा नहीं है, मैक्सिमम प्लांट्स के लिए ये बात कही गई है, ठीक है। इफ
द सॉयल इज टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर सॉयल की एसिडिक इफेक्ट ज़्यादा है या बेसिक इफेक्ट ज़्यादा है उस केस में क्या होता है, द प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। तो इस वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होती है। द सॉयल मे बी एसिडिक और बेसिक नेचुरली। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ना किया हो लेकिन आप जहाँ खेती कर रहे हो उसका पहले से ही नेचर कैसा रहा हो, एसिडिक या बेसिक रहा हो। अगर वो एसिडिक रहा होगा तो कुछ बेस ऐड कर दीजिए ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, या फिर अगर वो बेसिक है तो क्या करिए फिर, हाँ कुछ एसिड्स लाके वहाँ पे ऐड कर दीजिए, यानी कि कुछ सोर्स ऑफ एसिड वहाँ मिला दिए जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सॉयल जहाँ पर आप खेती करने जा रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक? तो उसके लिए लैब बने हुए हैं, आप अपने सैंपल को लेके जाइए, थोड़ी सी उनको दीजिए, वो टेस्ट करके बता देंगे आपको। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हमें, द सॉयल पीएच इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। हम क्या करते हैं, अपने क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो कई बार कुछ फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा यूज होने की वजह से भी उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। द पीएच ऑफ एसिडिक सॉयल कैन रीच एज लो एज 4 एंड दैट ऑफ द बेसिक सॉयल कैन गो अप टू 8.3। अगर हमसे कोई पूछ ले कि सॉयल की मिनिमम पीएच वैल्यू कितनी हो सकती है, 4, यानी कि उस टाइम पर वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और सॉयल की मैक्सिमम पीएच वैल्यू कितनी हो सकती है, 8.3, और वो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बेसिक इफेक्ट शो कर रहा होगा। केमिकल्स कैन बी एडेड टू द सॉयल टू एडजस्ट इट्स पीएच एंड मेक इट सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स सच एज क्रॉप्स। अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, अगर एसिडिक है तो आप ऐसे केमिकल्स का यूज करें जो कि उसको न्यूट्रलाइज करें, यानी कि उसके अंदर खुद बेसिक नेचर होना चाहिए। अगर आपकी सॉयल की पीएच वैल्यू मोर देन 7 आ रही है, मोर देन 8 आ रही है, यानी कि वो कैसा है नेचर में, बेसिक, तो आप ऐसे केमिकल्स को यूज करें जो कि एज अ सोर्स ऑफ एसिड काम करे और उस बेसिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करे। आगे देखिए क्या दिया है, मोस्ट ऑफन द सॉयल इन द फील्ड्स इज टू एसिडिक। अगर हम ज़्यादातर केस की बात करें तो हमारी जो सॉयल होती है वो कैसे होती है नेचर में, एसिडिक होती है। इफ द सॉयल इज टू एसिडिक हैविंग लोअर पीएच देन इट इज ट्रीटेड विद द मटेरियल्स लाइक क्विक लाइम। क्विक लाइम यानी कि चूना, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक लाइम जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौक ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों ही क्या है, हाँ तीनों ही आपके बेस हैं। ऑल दीज मटेरियल्स आर बेसिस एंड हेंस रिएक्ट विद द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉयल एंड रिड्यूस इट्स एसिडिटी। फिर ये क्या करते हैं, उस सॉयल में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड है उसे रिएक्ट करते हैं और उसको धीरे धीरे कम करते जाते हैं, और एक टाइम के बाद आपके सॉयल की पीएच लगभग 7 के अराउंड आ जाती है, यानी वो न्यूट्रल हो जाता है और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपको नोट करना है यहाँ से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट दिया है, दस अ फार्मर शुड एड लाइम, स्लेक लाइम और चौक इन हिज फील्ड्स व्हेन द सॉयल इज टू एसिडिक। अगर आपको पता चल गया कि आपकी मिट्टी क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, आप स्लेक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कोई भी चीज़ यूज करके, क्योंकि ये बेस है, आप अपने पीएच वैल्यू को वापस से धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी कि न्यूट्रल कर सकते हैं। समटाइम्स हाउएवर द सॉयल इज टू बेसिक। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो सॉयल है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक हो जाता है नेचर, यानी उसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 मोर देन 8 हो जाती है। इन दैट केस इफ द सॉयल इज टू अल्कलाइन देन इट्स अल्कलाइनिटी कैन बी रिड्यूस बाय एडिंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। यानी कि सड़े गले पदार्थ को हम उसमें फेंक देते हैं, जैसे लोग क्या करते हैं, गोबर वगैरह जब सड़ जाता है वो सब उठा के ले जाकर अपने खेतों में फेंक देते हैं, विच कंटेन्स एसिडिक मटेरियल्स, उसके अंदर एसिडिक मटेरियल्स होते हैं जो कि वहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बेस होने से रिएक्शन करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। अब देखिए क्या दिया है, वी कैन चेक द पीएच ऑफ ए सॉयल आवर सेल्फ एज फॉलो। अगर आप खुद अपनी मिट्टी का पीएच चेक करना चाहते हैं तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया, आप डिस्कस कर लीजिए। पहला, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉयल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू इट। आप 2 ग्राम के आसपास क्या ले लीजिए,
मिट्टी और 5 ml वाटर, सेक द टेस्ट ट्यूब वेल, फिर उसको क्या करिए अच्छे से मिला दीजिए, फिल्टर द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब थ्रू अ फिल्टर पेपर, फिर फिल्टर पेपर की हेल्प से क्या करिए उसको छान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो बीच में अभी मिक्स नहीं हुए होंगे, तो आप छान लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हाँ नया सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल्स आराम से मिक्स हो गए होंगे। देन फाइंड द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट बाय यूजिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की हेल्प से उसकी पीएच कैलकुलेट कर लीजिए, कलर आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं आपके सॉइल की पीएच वैल्यू कितनी है। दस दिस विल गिव अस द पीएच ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ द सॉइल, और इस तरह से हमें अपने मिट्टी के पीएच को कैलकुलेट किया जा सकता है। सेकेंड देखिए, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, अब पीएच के चेंज होने से एनिमल्स के सर्वाइवल पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसको डिस्कस करते हैं। आई थिंक आज इतना ही रहने देते हैं, हम कल इसको डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।